जहाँ जब ना था चांद सूरज ना थे आसमान जब ना था राज हक भी किसी पर राजा जब ना था जब ना था कुछ यादा जब ना था कुछ यादा था मगर तू ही तू तब रेज ने क्यों भला दर पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा सब बना कर खिलो नो सब बना कर खिलो नो मेरा गा तू ही तू अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सही सब मौला मौलाइयों को और फकराइयों को मुझ फ़कीर की तरफ से या अली मदद। मैं इस टाइम बाबा सरफराज साईं पे मौजूद हूँ और यहाँ हम माशाल्लाह डेली सरकार बर हाज़री लगाते हैं। अल्लाह के फजल व करम से जो सकून हमें दरगाहों पे मिलता है वो दूसरी जगह नहीं मिलता। और अपनी रिहाइश भी मेरी बेक साइड पर है दादन शाहपाड़े में, पर उसके बावजूद भी सरफराज सरकार पर हम डेली अपना या फुकरा के साथ आके अपनी हाज़िरी देते हैं सिर्फ अपने क्लब को सुकून देने के लिए और अपने क्लब को खुश रखने के लिए, हर मुसीबत हर परेशानी हर बुराई से बचने के लिए। और खुदा के करम से हम आपस में जितनी भी फुकरा हमारी है, यहाँ नंगर भी चलता है आप देख रहे होंगे या न्याज भी चलता है, आपस में जो भी होता है हम आपस में डोनेशन करके और मौला की नियाज भी करते हैं। अस्सलामु मोहम्मद वाली मोहम्मद, हम से दिल से शुक्रगुजार हैं मियाँ वाली मोहम्मद साहब के जिसने यहाँ साईं सरफराज बाबा पे रवानत कचहरी की है। इसमें तमाम दोस्त यार और मौलाई हैं, हमें बड़ा सुकून मिलता है यहाँ साईं की दरगाह पे और रवानत के हिसाब से, और इसी हिसाब से ये जितने भी फुकरा आई है हम उनको यारी मदद बोलते हैं और तमाम प्यार मोहब्बत किए और ऐसा उसके हिसाब से ये प्रोग्राम किया गया है। हर रोज़ यहाँ रवानत एक सिलसिला चलता है जिसमें मच कचहरी की होती है। अब नबू वाले जितने अनवर भाई वाले अहमद भाई वाले जितने भी दोस्त यार आते हैं उनको हम तहे दिल से या अली मदद बोलते हैं। सब स्वागत को या अली मदद। हम यहाँ बचपन से लेकर मतलब कि ऐसी सरफराज बाबा की दरगाह पे आ रहे हैं बचपन से लेकर अब तक इतना टाइम हो गया, यहाँ आके हमको ज़हनी सुकून मिलता है, इसलिए हम तकरीबन डेली हम मंदिर आते हैं। साईं के वाले जो हैं मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो वो सिंध के हुक्मरान रहे हैं, मियाँ साईं ग़ुलाम शाह कलोड़ो सिंध के हुक्मरान रहे हैं और हैदराबाद का जो नाम रखा है वो भी साईं ग़ुलाम शाह ने रखा है, नेहरुन कोर्ट से हैदराबाद का नाम रखा। और कदम गा मौला का जो मतलब के हाले वाले जो कदम मिले वो भी साईं की दौरे हुकूमत में ईरान की हुकूमत ने साईं को गिफ्ट दिए। और यहाँ पक्का किला है, कच्चा किला है, शाही बाज़ार है, शाह बंदर पोर्ट, इस तरीके से बहुत सारी जो मतलब की चीज़ें वो साईं के अदवार में बनी हैं। और साईं के मतलब के नेगा के हमारे को चेयरमैन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब इन्हीं के मुरीदीन में से हैं और हमें खुशी भी है गर्व भी है कि मतलब कहने का कि हम भी इनकी छाओं में पले बड़े हैं और इतने बड़े हुए हैं। सो याली मदद, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाऊंगा। मेरा नाम मियाँ वली मोहम्मद अब्बासी कलोड़ो है। मैं इस दरगाह का मियाँ सरफराज कलोड़ो रहमतुल्लाह अलैह का सजादा नशीं हूँ और साईं की तारीफ से आपको थोड़ा आगाह करता चलूँ। साईं के जो वालिद हैं मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दुआ से पैदा हुए और वो दुआ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने दी थी, जो साईं की जो मुरीद थी वो साईं ग़ुलाम शाह की वालदा थी और उनका नाम था जीजी गुलाम। उनको दुआ दी गई कि तुम एक दिन सिंध की रानी बनोगी, तो वो दुआ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो दी थी वो दुआ ये है, गुलां विचो गुल खिड़िया के खिड़सी।
और शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई ने आने वाले वक्त में दो वलियों की पेशन गोई की, जिसमें मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ो और मियां ग़ुलाम शाह वो हस्ती हैं जिन्होंने हैदराबाद जो है हैदराबाद को गादी का नाम रखा, गादी का हिस्सा बनाया, और हैदराबाद उसके अलावा जो है पक्का किला, कच्चा किला, शाही बाज़ार भी साई के दौरे हुकूमत में बना, और शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की जो मज़ार है वो भी मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ो के दौर में बनी। मियां सरफराज जो हैं वो आखिरी बादशाह रहे हैं कलोड़ो हुकूमत के, 1730 में साईं की विलादत हुई है और 1775 में हैदराबाद पक्के किले में साईं को शहीद किया गया। उनके साथ उनके बेटे थे और उनके दो चचा और एक भाई वहाँ उनके साथ जो मदफून है, और उसके अलावा जो है जो साईं की शहादत के बाद उनकी जोजा जो है उन्होंने ये दरबार जो है अपने वज़ीर को अपना हार देकर ये तामीर करवाया, और उसके अलावा जो दरबार पे जो सालाना दो बड़े उर्स होते हैं, एक सरफराज बाबा का जो 8 जुलहज को होता है, और उसके अलावा दूसरा जो है चैलम पे इमाम हुसैन के जो चैलम होता है उन उस पे जो एक पलू भराई की रस्म की जाती है, जो पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन, जी मैं अर्ज़ कर रहा था जो जैसे पूरे पाकिस्तान से जो औरतें आती हैं इस रस्म करने के लिए, और उसमें रस्म में जो बीवी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की नस्बत से ये दुआ की जाती है, और जो तकरीबन 1780 से ये रस्म चल रही है हमारे इस दरबार पे, और जिसमें जो है ज़रूरतमंद जो हाजतमंद जो है फैमिलीज यहाँ आती हैं और उनकी वो दुआएं यहाँ कबूल होती हैं। काजी फुकरा को याली मदद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लतीफ़ सरकार के मौतकद हैं और उसकी नस्बत से ग़ुलाम शाह कलोड़ो और सरफराज बादशाह के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। मैं जो दरगाह पीर हाजी हसन शाह जीलानी आफन देता हूँ उधर रहता हूँ, मगर सुकून की वजह से और इस मालिक की कशिश की वजह से हम लोग उस दरबार पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। बोलो लतीफ़ साईं का बैत है, जो पहले अल्लाह को उसने वादे किया है, अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी कादर पंहिंजे कुदरत सीं क़ाइम आहे क़दीम वाली वाहिद वहद हू राज़िक रब रहीम सो सारा है सचो धनी चई हमद हकीम कंधो पाण करीम जे जोड़ू जोड़ जहान जोड़ू जोड़े जहान जूं जड़ें जोड़ियाई खामद खास खलके मिठो मोहम्मद मुकाई कलमो ते करीम ते चिटो चयाई अनाथ अंत महबूबी इं उताई लिखी डिनाई बई सराऊं सैयद। मालिक ने अपने रिसाले के अंदर पूरी कायनात के लिए दुआ मांगी है और हम लोगों के लिए दुआ मांगी है।